को नमस्कार, हैप्पी सावत। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और स्वस्थपूर्वक परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो सके हैं। आइए हम आगे बढ़ने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। स्मानी बाप, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर स्वस्थ मौका के लिए। इसमें हम विशेष आपकी उपस्थिति और अगुवाई चाहते हैं, हमारे बीच में होइए ताकि जो कुछ भी हम वचन में से बोलेंगे वे आपकी ओर से हो सके, और हमें बोलने में तो अगुवाई कीजिए और जितने हम सुनने वाले श्रोता है पिता सुन के आशीषित हो सके, इस तरह से तो हम में से प्रत्येक को तो आशीर्वाद कर। बाकी इस सभा का भार हम आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर, आमीन। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा इस मौके के लिए कि मैं फिर से आप सबके बीच में खड़े हो सकता हूँ। और आज का शीर्षक मैं चुना हूँ, यह हुआ कितना महान और कितना भला है। यह हुआ कितना महान और कितना भला है। आइए हम सब धर्मशास्त्र पवित्र शास्त्र में से हम लोग देखेंगे कि भजन संहिता 23 अध्याय क्या कहता है। यहुआ मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी होगी। यहुआ मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। लेकिन हम सब अपने जीवन में हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या है, घटी ही घटी है। कैसे सोचते हैं? मसीह जीवन, जब हम मसीह को पाए हैं, हमारे जीवन में घटी ही घटी है कि लाभ ही लाभ है या आशीष ही आशीष है। जब हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में घटी है तो निश्चय हमारे जीवन में क्या है, घटी है, कमी है, आशीष नहीं है सोचते हैं। लेकिन यह हुआ हमारा क्या है, हमारा परमेश्वर कैसा है, महान परमेश्वर है और भला परमेश्वर है। लेकिन हमारे जीवन में क्या है, घटी है। कब सोचते हैं? मलाकी 3 का उसका 7 से पढ़िए तो तब हम सोचेंगे हमारे जीवन में क्या है, घटी ही घटी है, कमी ही कमी है और आशीष नहीं है। पढ़ें हम लोग मलाकी किताब उसका 3:7। कोई खोल दिए पढ़ दीजिए, मैं इस तरह से उसको अनुच्छेद किया हूँ। चलिए पढ़िए तो, कोई खोल दिए हैं पढ़ दीजिए। पढ़ते जाइए। किस बात ने तुझे लूटा है? दसवांश और उठाने के भेंटों में पर तुम भारी साफ पड़ा है पर तुम पर भारी साफ पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। बस यहीं तक रुक जाइए। यहाँ हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, परमेश्वर से क्या करते हैं, हम लूटते हैं। जब हम लूटेंगे तो क्या हम आशीष पाएंगे? हम कतई हम आशीष नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर क्या क्या है, सब कुछ क्या क्या है, आपको और हमको दिया है। इसलिए कहता है यहुआ मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और हमें कैसे ले चलता है, आइए हम पढ़ लेते हैं उसको, भजन संहिता 23 अध्याय का पूरा। और थोड़ा सा मैं
विलंब करूँगा। यहाँ कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे कह हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुख दही जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तभी क्या करूँगा, हानि से ना डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल माला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रही। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा क्या करूँगा, वास करूँगा। कितना बड़ा प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, कितना महान और भला परमेश्वर है। हमेशा क्योंकि महान है इसलिए हम पापियों के ऊपर वो क्या करना चाहता है, हमेशा भलाई करना चाहता है, लेकिन हम मुकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम साबा स्कूल में भी देखे पौलुस प्रेरित कैसे था, कमज़ोर कमज़ोर नहीं था, वो परमेश्वर पर क्या करता था, भरोसा करता था, परमेश्वर पर अपने आप को क्या कर दिया था, समर्पित कर दिया था और परमेश्वर के साथ चलता था। इसीलिए उसका कोई डर भाई नहीं, कहा जेल जाने में भी यहाँ तक कि मृत्यु सहने तक भी वो क्या क्या साहसी रहा। हमें भी परमेश्वर पर क्या है, अटूट विश्वास रहना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, जो हम सब पर अपना करुणा दृष्टि दया सब कुछ क्या है, बनाए रखता है। इसलिए हमें होना चाहिए कि हम चाहे हम घोर अंधकार से भी होकर चले, अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर चले, तभी हम क्या करें, हानि से नहीं डरेंगे। है हम में, क्या हम कर सकते हैं? हम पहले क्या सोचते हैं, अपना लाभ सोचते हैं, हम लाभ को देखते हैं, और जब हम लाभ देखेंगे निश्चय हम क्या है, हानि में जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का हुक्म को मानिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, सब चीज़ का बनाने वाला, सब चीज़ को देने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम चूक जाते हैं। आइए हम देखेंगे भजन संहिता उसका 34 उसका 7-10, किसी को मिल गया कृपया पढ़ दीजिए, 34:7-10 मिल गया किसी को? हाँ, यहोवा के दरवाजों के चारों ओर उसका दूध छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके दरवाजों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है, पर वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, ना होगी। कितना सुंदर वचन हम सबके लिए परमेश्वर ने दिया है। क्यों कहता है कि हमें क्या, आठवां में क्या करता है, क्या कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहोवा, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवाएं को किसी भी बात की क्या नहीं होगी, किसी भी बात की घटी नहीं होगी। जवान सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे ही रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भांति किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। क्या है सुंदर वचन, परमेश्वर हम सबके जीवन को जो हम खोए हुए हैं उनको जागरूक करने के लिए इतना सुंदर हमें वचन हमें देते हैं, तो हम लेकिन चूकते हैं और फिर हम वही, हम अगर हम चूकते हैं तो हम फिर से अपने आप को ही मलाकी 3 अध्याय में हम ले जाएंगे और वहाँ पढ़ेंगे। हमें कहता है कि परमेश्वर के
हुकुमों को, परमेश्वर के नियमों को मानो। अगर नहीं मानते हो तो उनसे क्या करो, फिरो। अगर आप खो गए हो तो उनसे बाहर निकलो और उनके हुकुम को मान के देखो कि यहोवा परमेश्वर आप पर आशीष देता है कि नहीं। अगर हम मलाकी तीन अध्याय को अगर हम ठीक से नहीं पढ़े, नहीं जाने, हम पढ़े और जाने कि यहोवा आपसे हमसे क्या कहता है। और आगे अगर हम पढ़ेंगे क्या कहता है, सब चीज़ में परमेश्वर आशीष देखो, उसमें भी कहता है कि तुम परख कर देखो और मैं तुम्हें क्या है अपरंपर क्या करता हूँ, थोड़ी सी आशीष नहीं, क्या करता है परमेश्वर अपरंपर आशीष की वर्षा करता हो कि नहीं, तुम परख के देखो। कभी आजमाइश किए हैं, कभी परखे हैं, कभी देखे हैं, करिए, देखिए परमेश्वर कैसा आशीष देता है। मत सोचिए मेरा मैं बोल रहा हूँ, मेरा बारे मत सोचिए। आपका संबंध किसके साथ है, परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर से बात करिए, परमेश्वर से मिलिए, उनके हुक्म को मानिए और देखिए परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं आशीष देने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको बताऊँगा और आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन देने वाला परमेश्वर है। आप हमको धोखा दे दीजिए, हमारे एल्डर को धोखा दे दीजिए, हाँ हमारे डिकनों को धोखा दे दीजिए, लेकिन परमेश्वर को कभी धोखा मत दीजिए और परमेश्वर से धोखा मत कीजिए। और देखिए हमारे लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा प्रतिज्ञा किया है, यूहन्ना 14:1 में क्या कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि तुम किस पर विश्वास करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो। पढ़िए यूहन्ना 14:16, कोई खोल गए हैं पढ़ दीजिए। यूहन्ना 14, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मेरे पिता के घर में क्या है, बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे क्या है कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूँ, जगह तैयार करने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने हमारे लिए ये प्रतिज्ञा दी है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हम क्या है घबरा जाते हैं, हम घबराने से हम क्या होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें यहाँ कहता है कि व्याकुल ना हो और परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके साथ, हमारे साथ, जितने उन पर विश्वास करते हैं उनके साथ क्या किए हैं, वादा किए हैं। आखिर कहता है कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे, इतना बड़ा प्रतिज्ञा। तो आइए हम देखें और भी, देखें हम इब्रानी की किताब उसका 12:1 हमें क्या कहता, हम घबरा जाते हैं लेकिन परमेश्वर कहता है हमें क्या करना है, धीरज धरना है। कहता है इब्रानी की किताब उसका 12:1 यहाँ कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमसे घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना चाहते हैं, कैसे दौड़े, धीरज से दौड़े। कहता है हमें धीरज सिखाती है, हमें धीरज से दौड़ना है। हम उतावली के साथ, हम जोश के साथ हम दौड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, 2-3 कदम आगे हम गिर जाएंगे। हमें यही सिखाती है बाइबल कि हम धीरज से दौड़े। और इसमें परमेश्वर पिता ने आपको हमको क्या देना चाहता है, ताड़ना देना चाहता है। पढ़ेंगे हम लोग इब्रानी 12:5 पढ़ेंगे। यहाँ कहता, और तुम उस उपदेश को जो तुम को पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हम भूल गए हैं परमेश्वर ने जो उपदेश, परमेश्वर ने हमें सुसमाचार दिए, उसको हम क्या किए हैं, भूल गए हैं। इसलिए कहता है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को क्या ना लेना, हल्का ना लेना। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जानना, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़ना, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम रखता है उसकी क्या करता है, उसको ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको क्या मिलता है, कोड़े भी लगाता है।
हमें परमेश्वर यही जताना चाहता है कि परमेश्वर ने जो हमें सुसमाचार दिए हैं, अच्छे शिक्षा दिए हैं, वो शिक्षा को हमें क्या है, नहीं भूलना है। अब भूल जाते हैं तो परमेश्वर हमें ताड़ना भी देता है। जैसे हम माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों को क्या करते हैं, शासन करते हैं, अच्छा रास्ता में लाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बदमाश करते हैं। स्कूल के टीचर हैं जो सब जानते हैं कि बच्चे कैसे हो, शरारती होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोशिश करते हैं कि उन्हें अच्छा रास्ता मिलाने। इसी तरह से हमें वचन हम सब के लिए, मसीह लोगों के लिए विशेषकर ये ताड़ना देता है। हमें ताड़ना में ही कि ये नहीं कहेंगे हमें ताड़ना देता है, हमें ये करता है, हमें वो करता है, हमें वैसा करता है, नहीं। परमेश्वर हमें अच्छा बनने के लिए, हमें सुधारने के लिए हमें वो ताड़ना देता है। तो हम परमेश्वर के वचन को क्या करें, हल्का ना लें। और इसी तरह से देखिए हम किस तरह से हम अपने आप को हम क्या करते हैं, परमेश्वर से हम दूर करते हैं, अपने आप को परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें कहता है उसी इब्रानी का 12 अध्याय उसका 16 16-17 मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहता है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान धार्मिकता अधर्मी हो, जिससे एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौता होने का पद क्या है, बेच डाला। और तुम जानते हो कि बाद में जब उसे आशीष पानी चाहिए तो क्या निकला, योग्य निकला, अयोग्य निकला, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। थोड़ी सी क्षण के लिए क्या कर गया, अपना जो आशीष था पहलौटा का आशीष, उसको क्या कर दिया, उन्होंने खो दिया। आज हम भी ऐसे हैं कि इस संसार में हैं, हम क्या हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, हाँ ललायत हैं, उसको पाने के लिए हम ईश्वर के आशीष को हम क्या कर देते हैं, क्या समझते हैं, बहुत ही मामूली समझते हैं, बहुत ही छोटा समझते हैं, हाँ बहुत ही कम समझते हैं। लेकिन जब एक बार चूक जाता है तो फिर वापस नहीं आता है और वापस नहीं मिलता है। इसलिए परमेश्वर हमें आगाह करता है कि हम उनके जैसा ना हो। हाँ जब परमेश्वर जो कहता है, हाँ हमारा फर्ज है हमें कहना, हमारा फर्ज है हमें बताना, लेकिन धर्मशास्त्र हमारे जीवन को क्या करता है, टटोलता है, हाँ और हमें वो चीज़ करने के लिए कहता है जो आपके लिए क्या है, भला है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है, महान परमेश्वर है और वो भला परमेश्वर। जैसे वह महान है, भला है, वैसे हम सब के लिए भी क्या चाहता है, भलाई चाहता है। क्या आज हम परमेश्वर का वचन का ध्यान लगाने के लिए हम तैयार हैं? आइए हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 19-27। बहुत बड़ा हमारे लिए ललकार है यहाँ, याकूब की पत्री 4 लिख दिया वहाँ पर, 1 अध्याय उसका 19-27 यहाँ कहता है, बहुत सुंदर बात हमारे लिए यहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि हम बहुधा क्या करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग, केवल बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, केवल सुनने वाले होते हैं और उनका अनुसरण करने वाले नहीं होते हैं। यहाँ कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, इस बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का क्या है, निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव और बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से क्या करो,
ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और उसके सुनने ही नहीं तो अपने आप को धोखा देते हो करता है। अगर हम केवल हम वचन को सुनने वाले हैं और उस पर नहीं चलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। और कहता है परंतु वचन धोखा देते हैं क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह कहाँ देखता है। हम लोग विशेषकर सब कई जब सुबह उठते हैं ब्रश व्रश करने के बाद जब हम अपना मेकअप लगाते कहाँ जाते हैं, आईना के सामने जाते हैं और देखते हैं। हम क्या देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, हमारा चेहरा कैसा है, हमारा पहरावा कैसा है, उसको हम दर्पण में क्या करते हैं, देखते हैं। और जो स्वाभाविक है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, क्या है, तैयार होने के बाद कहाँ जाएगा, दर्पण के पास जाना ही है उनको कि मैं कैसे दिख रहा हूँ या मैं कैसे दिख रही हूँ, जाना ही है। इसी तरह से क्या कहता है, इसलिए कि वह अपने आप को क्या करता है, देखकर चला जाता है परंतु भूल जाता है कि वह कैसा है। चेहरा हम देखते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। और इसी तरह कहता है पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि यह सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही क्या है, करता है। और यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति क्या है, सब बेकार है, व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और मलिन निर्मल भक्त यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उसकी क्या करे, सुधि ले और अपने आप को संसार से क्या करे, क्या रखे, निष्कलंक रखे। कहता है क्या है, सुंदर वचन जो हमें याकूब के पत्री में हमें मिलती है कि हमें केवल सुनना नहीं है, सुन के हमें क्या है, चलने वाला बनना है। अगर नहीं चलते हैं तो इसी दर्पण के जैसे हम अपना देखे चेहरा और चले गए, हमेशा ना करें परंतु हम परमेश्वर के वचन पर चले। अगर हम ऐसा ही करते हैं तो हमारा सब कुछ क्या है, बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है। आइए हम आखिरी पद देखेंगे, ये हमारे लिए प्रकाशित वाक्य 3:14-20 3:14-20 यहाँ कहता है मैं तेरे कामों का क्या है, जानता हूँ क्योंकि तुम क्या है, ना गर्म है ना ठंडा है। आज हम क्या है, ना इधर है ना उधर के हैं, इसलिए हमें यहाँ कहता है हमें कि मैं 15 से पढ़ना चाहता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है, भला होता कि तू क्या होता, ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना और इसलिए तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से क्या हूँ, उगलने पर हूँ। और तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और क्या है तुझ, और नंगा और अंधा और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू क्या हो जाए, धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपने आँख में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को ओलना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगम और
सरगम हो और मन फिरा, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ क्या कर रहा हूँ, खटखटाता हूँ, और यदि कोई मेरे सब सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। त्यां परमेश्वर हमें जो है आह्वान करता है कि हम परमेश्वर के पास क्या करें, जाएं, और क्योंकि हम ना तो गर्म है ना ठंडा है, भला होता हम गर्म होते, क्योंकि आज हम मसीह में हम क्या हो गए हैं, ठंडे पड़ गए हैं, हम सुन सुन के क्या है, थक गए हैं, हमारा कान बहरा भी हो गया है। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को क्या करें, सुने और उसको स्मरण करें और उसके अनुसार हम चलने वाले बन सके, और ना कि हम इस संसार के सोच, इस संसार के भोग विलास में हम पड़े रहे। नहीं तो हमें क्या कहता है, हम उसके समान है, किसके समान, मैं हम उस धनी के समान है जो हमें किसी प्रकार की क्या है, किसी वस्तु की क्या है, ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ की हमारे पास घटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास हम आते हैं तो हमें परमेश्वर उस घटी को पूरा करता है जो हमें, उस घटी जो संसार हमें नहीं दे पाती है। और आज देखेंगे कि लोग परमेश्वर के आशीष के लिए, परमेश्वर के शांति के लिए क्या करते हैं, दर बदार घूमते हैं लेकिन नहीं मिलता है। अब परमेश्वर आपके पास आना चाहता है, आपके हृदय में आना चाहता है, आपके हृदय जो कठोर हृदय है उसको क्या करता है, दरवाजा को खोलिए, क्योंकि यीशु मसीह हो सकता है आपके दरवाजा के पास आकर क्या कर रहा है, खटखटा रहा है और कहता है, हे मिस्टर जोसेफ, आपका दरवाजा को क्या करिए, खोलिए, मैं आपके पास क्या है, आना चाहता हूँ। और देखिए यीशु मसीह एक पिक्चर में है कि यीशु मसीह आपके दरवाजा के पास खड़ा है, क्या लिए, एक डंडा लिए खड़ा है, और डंडा से क्या निकल गया है, पौधा निकल गया है, लता एकदम आपके घर के चारों ओर फैल गया है, लेकिन आप उनके आवाज़ को नहीं सुने हैं और आप उनके आवाज़ को नहीं सुन के आप दरवाज़ा नहीं खोले हैं। परमेश्वर आपके पास आना चाहता है, आप दरवाज़ा खोलिए, अपने हृदय को खोलिए और परमेश्वर को दीजिए, जिस तरह से पौलुस ने हर प्रकार के बाधाओं को क्या है, मोल लिया और वो स्वर के साथ चलने के लिए अपने आप को ठान लिया। आज चाहिए हम क्या करें, अपने हृदय को खोलें और हम परमेश्वर के पास आएं। अब परमेश्वर वो आशीष जो हमें देना चाहता है वो आशीष को हम पा सकें, ना ऐसा नहीं हो कि हमने सब कुछ किया है, सब कुछ किया है लेकिन हम आशीष नहीं पाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है, कैसा परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं, महान परमेश्वर है और भला परमेश्वर है। वो महान होने के नाते हम पापियों के लिए, हम मनुष्य के लिए क्या करना चाहता है, वो भला करना चाहता है। सिर्फ आप अपना कान खोलिए और सुनिए और उसको मानिए और चलिए, देखिए परमेश्वर हमें कैसा आशीष देगा। अगर नहीं देते हैं तो हमें बार बार हमें क्या है, मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय को पढ़ना चाहिए, आप पढ़ के देखिए परमेश्वर कितना भला है और परमेश्वर कितना अच्छा है, परमेश्वर कितना महान है, जो आशीष आपको हमको परमेश्वर देना चाहता है। हम ना कहे कि परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता है, जब हम कोई दुख में, कोई मुसीबत में हम रहते हैं, परमेश्वर हमारी सुध ही लेता है। आइए हम आखिरी में एक वचन को पढ़ेंगे जिसमें मिलता है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, यहाँ कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने में चित लगा कर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जाति में क्या बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा। फिर यहोवा अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सर्व, देखिए आशीर्वाद तुझे क्या है, तुझ पर पूरे होंगे, क्या है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरे संतान और तेरे भूमि की उपज और गाय बैल भेड़ बकरी पशु के बच्चे, और धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती,
धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय, क्या ही बड़ा प्रतिज्ञा और आपको और हमको देना चाहता है। आइए हम उनके आशीष को लेना चाहते हैं। तो परमेश्वर यहाँ कहता है कि हम परमेश्वर यहोवा की क्या करें, सब आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें दी है उसको हम चौकसी के साथ हम उसको पालन करें और उसको माने। तो ये आशीष हमारे जीवन में हर समय बना रहेगा। परमेश्वर हमें आशीष दे कि हम उनके बताए रास्ते पर हम चलने वाले बन सके। धन्यवाद। सुंदर वचन के लिए भाई मिस्टर लकड़ा को धन्यवाद देता हूँ। ये परमेश्वर महान है, भला है और हम सबों को वे आशीषित करते हैं जब उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे 85 नंबर का 85, प्रभु तेरा हूँ तेरे वचन से। खोलना तो खड़े हो जाएंगे। प्रभु तेरा मैं हूँ तेरे वचन से, तेरा प्रेम पहचानता हूँ, मेरी लाशा है कि विश्वास है, जाके तेरे पास रहूँ। Oh,
आसमानी बाप धन्यवाद देते हैं आज के सावत की संगति के लिए, सावत के तमाम आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं जब हम इस बड़ी सभा में हो सके और आपके वचन में से हम सीख सकें। इस सीख पर आपकी आशीष हो, क्योंकि पिता तो महान परमेश्वर है और भला करने वाला परमेश्वर है। इसी तरह से पिता हम में से प्रत्येक के जीवन में बहुत सारे कमजोरी हैं, लाचार हैं, विवश हैं, लेकिन तो सबको जानता है। इसके तहत पिता हम पर अपनी अनुग्रह और दया बनाए रख, ताकि हम आपके अनुग्रह के तले हम चल सके और चलते हुए पिता हम आपके आशीष के हम भागीदार हो सके। इसी तरह से धन्यवाद देते हैं आज की इस संगति के लिए, और जब हम यहाँ से जाते हैं हम सबको तो आशीष के साथ विदा कर छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनर ग्रहण कर, आमीन।